थापकी की पहली शादी में भी दूल्हा बदल गया था और अब दूसरी शादी में भी उसके साथ हुआ कुछ ऐसा ही। खुशी खुशी विहान के साथ फेरे ले रही थपकी को नहीं पता है कि उसका दूल्हा इस बार भी बदलने वाला है। जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना है, इस बार फिर से थपकी का दूल्हा बदल जाएगा। विहान की जगह मंडप में कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही आ जाएगा। ध्रुव की साजिश क्या इस बार कामयाब होगी? उसने अब तक जो भी चाल रची थी वो हूबहू ठीक ट्रैक पे चल रही थी, लेकिन अब नहीं चलेगी क्योंकि मंडप में ध्रुव आ तो जाएगा, थपकी के साथ पांच फेरे तो ले लेगा, लेकिन छठे फेरे में विहान आ जाएगा और वहीं पे हो जाएगा खुलासा कि मंडप में विहान की जगह ध्रुव आ गया है। यही ट्विस्ट थपकी की इस बार की शादी में भी आने वाला है। अब मेरा विहान ही है पति जो है। खुशी ये फेरे ले रही है, लेकिन अंत में इन्हें पता चलता है कि वो फेरे एक्चुअली मेरे साथ नहीं किसी और के साथ लिए जा रहे थे, लेकिन वो सातों फेरे पूरे हों उससे पहले विहान आ जाता है। हमारे हीरो की एंट्री होगी और रोक लेता है शादी पहले होगी। शादी में शादी रुक जाती है। छोटे पर्दे पर शादी हो या रियल लाइफ में, हर किसी को देखना होता है कि दुल्हन ने क्या पहना है, दुल्हन ने अपने शादी का जोड़ा कहाँ से बनवाया है। इन्होंने जो पहना है लहंगा, इसकी तो मैं क्या तारीफ करूं। मेरा ये लहंगा बड़ा है महंगा। इसके ऊपर बहुत इसका जो वर्क है स्पेशली वो इतना अच्छा है, ज्वेलरी इतनी अच्छी है, ये स्पेशली इन्होंने बड़ा मंगाया है। ये फुल स्लीव्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मतलब मुझे बहुत कंफर्ट हो रहा है इसमें, बड़ी पसंद है इसको फुल स्लीव चीजें। लेकिन इन सबको ट्विस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ अपने साज श्रृंगार से। किसने कौन सा लहंगा पहना है, किसका हार सबसे ज्यादा महंगा है। रेडी हुई हूँ आज, ये जो ज्वेलरी पहनी है, नई रिंग मुझे मिली है, नया सेट मिला है जो मैंने चूज किया है, एंड डिफरेंट इयररिंग्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस। अपना ये बोर लिया है जो बहुत ज़्यादा राजस्थानी मारवाड़ी लोग पहनते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है, और नॉर्मल मांग टीका पहनने के अलावा मैंने ये ट्राई किया। देन दिस इज़ माय फेवरेट झुमकास, ऑल टाइम फेवरेट। इसको मैं इसलिए पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि ये इंडियन आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से जाते हैं। दिस इज़ अगेन अ ब्लू कलर का पेंडेंट दैट यू हैव सीन, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इट हैज़ पर्ल्स इन इट, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये मेरा पेटेंट है, ये तो आप मेरे को शोज में काफ़ी देखते हैं, ये मेरा पेटेंट जो ये है। ये वैसे काफ़ी सुंदर लगता है जब आपके बाल बड़े हों और आप इसको ऐसे सजाएं तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो थपकी, इस बार तो आपकी जिंदगी में गदर मचने से बच गया, लेकिन अब आगे एक बड़ा ट्विस्ट बाहें खोले खड़ा है जिसका इंतजार तो आपके साथ साथ दर्शकों को भी करना पड़ेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।